लॉ की इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका हम लोगों ने सीखा है, तो कुछ इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं छोटा सा दे रहा हूँ। अभी एक इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व की भी थी, तो ये देखिए जो हम लोग का पहली जो मैंने इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि इक्वेशन को लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू सी इस फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए पहले से लिखी हुई, तो अब इसका लॉग रिमूव करते हैं। तो लॉग रिमूव करने के लिए बन जाएगा, अभी बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्प्लिटिंग मीडियन टर्म से। पॉइंट नंबर चार में इक्वेशन में मैंने बताया था कि जो भी आंसर आ रहा है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो x इक्वल टू वन को चेक करते हैं, और चेक करने का मतलब है जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां चेक करेंगे। ये नहीं कि उठा कर कहीं यहीं पे चेक कर दिए देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू वन को जब यहां रखेंगे तो देखिए बेस बताया गया कि बेस की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए, ये दोनों नंबर पॉजिटिव आने चाहिए और बेस वन नहीं होना चाहिए। पहला वाला तो इसे सीधे रिजेक्ट हो गया कि बेस को वन बना रहा है, और दूसरा वाला भी रिजेक्ट हो गया कि इसकी वजह से ये जो बेस है वो निगेटिव हो जाता है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो यानी दोनों के दोनों सलूशन जो हम लोग को सॉल्व करके मिल रहा है वो डोमेन के क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर रहे हैं, फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे और इसका हम लोग सलूशन लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू फाइव, नो सलूशन। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग यहीं पे सॉल्व करके लिख के आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये अब दोनों ही सॉल्यूशन है, ठीक है, और इन दोनों को हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी अगर देखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। अगर ये दिया होता क्वेश्चन तो ये दोनों सॉल्यूशन थे, लेकिन जो ये क्वेश्चन दिया हुआ तो ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना, एग्जाम में ये वाली बात गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी सी जो सावधानी है बिल्कुल 100% मेंटेन कर। चलिए ये नोट कर लिया अगर, तो अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और वो आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार करेंगे। पहले खुद इसको करने का प्रयास करना है, log x प्लस वन बेस टू log 3x प्लस फाइव बेस टू इक्वल टू फोर। अभी मैंने बताया था कि लॉग के सारे टर्म्स को एक चक्लब कर देते हैं, तो आप लोगों ने कल रूल पढ़ा लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी, वही वाला रूल यहाँ पे लगाते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी लॉग एक्स प्लस वन थ्री एक्स प्लस फाइव बेस टू इक्वल टू फोर। लॉग रिमूव करेंगे एक्स प्लस वन इंटू 3x plus 5 equal to 2 की पावर, ये आ जाएगा 2। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सिंपल क्वाड्रेटिक बनाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो बन गया 3x square 3x 5x 8x और 5 और इधर आ गया 16 यानी minus 11 equal to 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक है इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर लेने पर दो सलूशन, तो मैं तो सीधे मुझे दिखाई देता है, अब आपको वो भी दिखाई दे तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। अब जैसे मुझे वन तो सीधा ही दिखाई दे गया, और जब वन दिखाई दे गया तो क्वाड्रेटिक है तो प्रोडक्ट का रूट दिखाई दे रहा है। अब जब दो का प्रोडक्ट पता है, एक उसमें से वन है ये भी पता है, तो दूसरा वाला क्लियर हो गया। अब देखिए किसी को ऐसे दिखाई दे रहा कोई स्प्लिटिंग कर रहा हो, और किसी को स्प्लिटिंग में ना दिखाई दे रहा होगा मैं श्रीधराचार्य से सॉल्व करूँ, तो इसी बात का अंतर पड़ता है। जो हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं वो कितना इफिशियंटली यूज कर रहा है, और यहाँ से कोई 5 सेकंड बचाएगा और 10 जगह से बचाए तो 50 सेकंड बच गए, तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेगा।
एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेगा तो 3 नंबर और आ गए, 1000 रैंक अच्छी हो गई। ये छोटी छोटी चीज, केवल ये नहीं कि हमको आ गया, लॉग आता है, लॉग में कितने एफिशिएंट, बिल्कुल कितनी जल्दी और कितना सही करने चला है, बार बार प्रैक्टिस कर रहे। तो ये दो सोल्यूशन आ गए, दोनों को चलिए चेक कर। तो चेक केवल इतना ही करना है कि वो डोमेन में है कि नहीं है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बाकी अपने आप सेट बैठे। तो वन रखिए तो वन पे, तो ये बेस तो पहले से ही अच्छा, और वन रखने पर ये दोनों नंबर पॉजिटिव। यहाँ चेक करेंगे, यहाँ नहीं चेक करेंगे, ओरिजिनल वाले में चेक करेंगे। और माइनस 11/3 रखने पर ये भी निगेटिव हो जा रहा है, ये भी निगेटिव हो जा रहा है, तो ये रिजेक्टेड। तो यहाँ पे केवल एक ही सोल्यूशन आया, एक्स इक्वल टू वन इज ओनली वन सोल्यूशन, माइनस 11/3 इज रिजेक्टेड, इसको हम सोल्यूशन नहीं मान रहे। ये क्वेश्चन आया होता तो मान लेते, क्योंकि माइनस 11/3 रखने पे ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा, और दोनों मिला के पॉजिटिव हो जाएगा, वो इसको सेटिस्फाई करे। तो ये देखिए बड़े मतलब स्पेशल बात है, ये क्वेश्चन दिया होता तो ये दोनों सोल्यूशन थे, और ये दिया हुआ है तो केवल यही सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो छोटी सी चीज है डोमेन वाली बात, ये एक इस चैप्टर में स्पेशल बात है, ठीक है। और इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसका लॉजिक क्लियर नहीं है कि क्यों निगेटिव को नहीं मानते हैं, ये बात रटनी है, जो मैथ का जो इन जनरल परसेप्शन है उसके अगेंस्ट है। तो ठीक है।